लगता है मेरी दवा ने असर किया है। क्या? अरे इसमें तो दो खुराक है, कल रात तो एक ही बची थी, जरा देखिए तो डॉक्टर साहब। ये तो मेरी दी हुई दवा नहीं लगती, जरूर इसमें कुछ मिलाया गया है। अगर इस दवा में जहर मिला है तो अरोड़ा की बात साबित हो जाएगी कि दुश्मन किसी खास मकसद के लिए बेटे के साथ मुझे भी खत्म कर देना चाहता है। बेटे के साथ? कौन बेटा? अरोड़ा, मेरा बेटा। दरअसल वो सुमेर है, उसने मुझे यकीन दिला दिया है। सच्ची अंकल, आपकी लाइफ स्टोरी का ये ट्विस्ट तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जिस दिन माजी ने आपको जी करके बोला मैं सब कुछ समझ गई। टीना, बहुत तो गया अरोरा साहब तुम्हारा दिल जीतने के लिए बेटे बन गए ताकि तुम्हारे दिल का हाल मालूम कर सके। भाई मानना पड़ेगा बहुत ही चालाक सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर सुमेर? कभी सुमेर, कभी अरोरा, कभी प्रिंस, भगवान जाने उसका असली नाम क्या है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि उसने टीना से कहा है कि वो सीबीआई ऑफिसर है। डैडी, मैंने आपको कसम दी थी ना कि किसी को मत बताना। टीना, उसने तुमसे कहा था? मगर अंकल तब वो बोले थे कि वो यहाँ किसी कातिल की तलाश में आए हैं। सुन लिया गिरधारी लाल, वो किस मकसद के लिए यहाँ आया था? अरे अब तो समझो उसकी चालाकियाँ। रायजादा साहब, कल रात मैं यहाँ नहीं थी और आप सो रहे थे, तो मिसेस सिंह चोरी चोरी यहाँ आई थी। गुड गॉड, एक्सक्यूज मी लतिका जी, मुझे इनसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, आप लोग जा सकते हैं। कम ऑन आओ। जिंदगी भी ये क्या खेल खेल रही है मेरे साथ, हर एक बार टूटता जा रहा है। हमारे बरसों के भाईचारे पर अगर तुम्हें एतबार नहीं तो कम से कम अपनी अक्ल पर तो एतबार होना चाहिए। कल अरोरा मुझसे पूछ रहा था कि रणबीर सिंह के नाम पर जो कत्ल दर्ज है वो किसने किया है। मेरा ख्याल है यही सवाल उसने तुमसे भी किया होगा। हाँ, मुझसे भी पूछा था कि किसका कत्ल हुआ है और उस कागज में क्या लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि उस इकरारनामे का इल्म उसे है। हाँ। कल रात उसके मुखबिर यहाँ आई थी, कहाँ रखा है वो कागज? अरे भाई जाओ जाकर देखो वो अपनी जगह पर है भी कि नहीं। नामा तो यहां से गायब है। मारे गए हम दोनों, तुम्हारी बेवकूफी हमें तबाही तक पहुंचा के रहेगी। लेकिन निर्मला उस सीबीआई वाले के साथ मिलकर मेरी तबाही क्यों चाहेगी? इसलिए कि निर्मला उस सीबीआई वाले के साथ मिलकर तुम तक पहुंची है, अब वो बदले पर उतर आई है। यस सर। कुबेर को नौकरी से निकाल दो और अरोड़ा को होटल के बाहर फेंकवा दो। और सुनो, मेरे सॉलिसिटर को अभी यहां बुला लो। अभी सर? यस फॉरन। ओके सर। दीजिए वकील साहब, इस वसीयतनामे को आप अपने पास संभाल कर रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए, इसे सेफ में रखा जाएगा। तनेजा साहब को नीचे तक पहुंचा। राइट सर। आइए मिस्टर मटवानी। लतिका, आज से मेरी सारी जायदाद की बारिश तुमको। अगर ये होटल नीलाम ना हुआ तो मेरे मरने के बाद इसकी मालिक तुम होगी। ऐसा मत कहो डार्लिंग, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। साहब आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या हमें होटल छोड़ने के लिए किसने कहा गया है? ताकि आपने जिसे बाप बनाया है उसके नाम वारंट लेकर लौट सके। आप राय दादा के बहकावे में फिर से आ गए तो अब आपको क्या फर्क पड़ेगा? कत्ल के जिस इकरारनामे की आपको जरूरत थी वो ये औरत ले जा चुकी है। कत्ल? किसका कत्ल? दिया नहीं आपको? मैं कोई इकरारनामा नहीं लेकर गई थी। जानता था ये आपसे भी 400 बीसी करेगी। ये कागज आपको तब देगी जब मेरी मौत की खबर सुनेगी। ये आरोप लगना था मुझ पर, इससे पहले मुझे मौत क्यों ना आ गई? अब तो पतिवर्ता का नाटक छोड़ दो देवी। परसों पहले तुमने मेरे विश्वास को डसा और कल रात को चोरी चोरी मुझे जहर देने आई थी। क्या हो गया आपको? ये आपको जहर देंगी? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी।
माँ सुनो तो, अब क्या सुनना बाकी रह गया है, मुझे जाने दो। वाह वाह वाह, ये माँ बेटे होने का ढोंग आप लोग खूब रचा लेते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि हमें आपकी हकीकत का पता चल गया है सीबीआई वाले साहब। सीबीआई वाला? मैं? जी। ओ, अब समझा। तो टीना के जरिए आपने इन्हें यकीन दिलाया। कुंडे भी अपने बच्चों को गुंडागर्दी से दूर रखते हैं, लेकिन अपनी बेटी को इस्तेमाल करने वाला बाप मैंने सिर्फ आपको पाया। बदतमीज! मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बूढ़ी हड्डियां टूट के मुश्किल से जुड़ती है। हाथ हटाइए। मुंह मत फेरिए पिताजी, आपका बेटा हूं मैं। खामोश! मुझे जज्बात में जकड़ने की बजाय मेरे हाथों में हथकड़ी जकड़ दो तो इतनी तकलीफ ना होगी। फिर मुझे पिताजी कहा तो मैं जबान खींच लूंगा। आखिरी सांस तक जबान यही कहेगी कि आप मेरे पिता। गेट आउट! आई से गेट आउट! कितना ही ठुकरा लीजिए, मैं आपका दर नहीं छोड़ूंगा। अब मैं क्या करता हूं आप देखिएगा, और आप भी। ये तो मिस्टर अरोरा है। वो आ रहा है सामने। ओ, मिस्टर अरोरा उर्फ सुमेध सिंह। यस, आपके नाम वारंट है। क्या किया है मैंने? पेशी पर अदालत में हाजिर नहीं थे। क्या मतलब? गांव में पंडित के साथ जो मारपीट की थी भूल गए? ओ, इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक दिन की मोहलत और दीजिए। अब तो एक पल की भी मोहलत नहीं मिल सकती। चलो। देखिए, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सीधी तरह चलते हो या हथकड़ी पहनाओ? क्या ये सच है? ये रणबीर सिंह का बेटा सुमेर सिंह है? आर यू श्योर? जी। आप ऐसा कीजिए कि आप होटल के बाहर ठहरिए, मैं सुमेर को ढूंढ के आपके हवाले कर देता हूं। हम और चांस नहीं ले सकते, खुद ढूंढेंगे। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। सुना आपने? तो हम मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट ले आएंगे, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। सर, अपने सारे स्टाफ से कह दो कि सुमेर जहां भी हो उसे मेरे पास लेके आए। राइट सर। खन्ना, पुलिस के आने से पहले मुझे सुमेर से मिलना है। वो मेरा जिम्मा सर, आप फिक्र मत कीजिए। साहब कमरे में नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ डार्लिंग, डैडी बहुत नाराज है, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। रात को 11 बजे बेसमेंट में मिलो। तुम्हारी टीना? क्या कह रहे हो? तो प्लान हमने सोचा है बहुत सेफ है। आइए मैं आपको पूरा प्लान समझा देता हूं। तो गया गिरधारी लाल को पता चल गया है कि वो उन्हीं का लड़का है। जी हाँ, और इससे पहले कि वो अपनी वसीयत और किसी के नाम पे करते हैं, उन्हें आज ही। डरिए मत, खन्ना ने एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बनाया है, हम पे किसी पे इल्जाम नहीं आएगा। कत्ल सिवरी के वेयर हाउस में होगा और गिरधारी लाल जी वहां पर खुद आए और वहां से लाश हम समुंदर पर फेंक देंगे। मैं इस कत्ल में आपका साथ नहीं दे सकता।
मुझे तो सिर्फ खत से मतलब है and I'm paying for it. जब तक हमारा प्लान पूरा नहीं हो जाता आपको हमारा साथ देना होगा, तब आपको खत मिलेगा.